अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम किसी भी कंप्यूटर के जो मिसिंग ड्राइवर होते हैं, बिल्कुल इस कंप्यूटर के लिए या इस मॉडल के जो कंपैटिबल होते हैं, हम वो ड्राइवर किस तरह से बआसानी तलाश कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे। बाकी वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करें। तो बढ़ते हैं बकिया वीडियो की तरफ। गूगल में आते हैं और यहाँ ब्राउज़र में हम google.com में सर्च करेंगे 3DP चिप। 3DP चिप एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो कि कुछ ही MB का आसानी डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर हम सर्च करने के बाद टॉप में देख सकते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से हम इसे क्लिक करते हैं और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पर हम उसका सेटअप को डाउनलोड कर लेंगे। यह देख सकती हैं 2 या 3 MB का है, तो ये बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ये डाउनलोड होगा तो उसके बाद हम इसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे। जी यहाँ से हम इसे ओपन फोल्डर कर लेते हैं और ये इसकी जो एग्जी फाइल है इसको हम रन करते हैं और इसे अपने PC में इंस्टॉल कर लेते हैं। सिंपल किसी भी सॉफ्टवेयर की तरह ये इसे नेक्स्ट करने से ही इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉल होने के बाद हमें ये सॉफ्टवेयर शो करवा देगा कि आपके PC में कौन कौन से जो है ड्राइवर हैं जो मिस हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ड्राइवर हमारे पास मिस हैं हमारे सामने शो हो रहे हैं, तो उसके साथ एक येलो का कलर का छोटा सा आइकन आ रहा है। इसे जो ड्राइवर मिस है उस पर हम क्लिक करेंगे और वो हमें उस वेबसाइट पर ले जाएगा, डायरेक्टली उस पेज पर ले जाएगा जहाँ से हम इसे ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे PC में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ओपन फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो नाज़रीन यहाँ देख सकते हैं कि ये एक जो फाइल है ज़िप फाइल है, तो हम इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे सामने ये अनज़िप फॉर्म में इसका फोल्डर आ चुका है, तो यहाँ पर हम इसकी जो है एग्जी फाइल जो एप्लीकेशन फाइल है उसको फाइंड करने के बाद उसे रन कर देंगे। जैसे हम उसे रन करेंगे तो ये ड्राइवर हमारे PC में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद प्रॉपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा तो ये हमारे सामने ग्राफिक्स के ड्राइवर इंस्टॉल हो रहे हैं। तो इसी तरह जो भी आपके PC में ड्राइवर मिस होंगे 3DP चिप के इंटरफेस पर सारे ही ड्राइवर शो हो जाएंगे। आप वन बाई वन उन्हें डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।